कुछ ही दिनों में मध्य प्रदेश चुनाव आने वाले, इस मध्य प्रदेश चुनाव अभियान के दौरान राहुल गांधी जी को धार्मिक अवतार में दिखाई गए वो, उसके बाद बीजेपी ने बहुत कड़वी टीकाएं भी की, मतलब ये ढोंग हो सकता है हिंदू वोट बैंक कब्जा करने के लिए ये सब चल रहा है। तो सच में ये पंडित जी आपको लगता है ये ढोंग है या इसमें सच है, क्या लगता है आपको? देखिए, 2014 में जब मोदी जी ने मंदिर मंदिर जाकर फिर बाद में जीतने के बाद पशुपतिनाथ गए, तो तब लोगों ने कुछ नहीं कहा। राहुल जी भी कश्मीरी पंडित हैं, उनके जनेऊ की फोटोग्राफ तक हमने नेट के ऊपर देखी है। अच्छा हाँ, और कहीं ना कहीं अगर राहुल गांधी की धार्मिकता की बात करें तो राहुल गांधी भी तो ब्राह्मण है और पंडित है ना। उन्होंने भगवान का अगर पल्ला पकड़ा है तो भारतीय जनता पार्टी का कोई कॉपीराइट नहीं है किसी भगवान के ऊपर। आप किसी भी भगवान को पूजना चाहते हैं, राहुल पूजना चाहते हैं, सोनिया जी पूजा करती थी या करवाती थी, प्रणब मुखर्जी पूजा करते थे या करवाते थे, तो उसमें किसी बीजेपी आरएसएस शिवसेना किसी का भी भगवान के ऊपर राइट नहीं है। जैसे मुसलमानों में कम से कम 50 जातियां हैं, पर अल्लाह के ऊपर किसी का राइट नहीं है, समझे आप। इसलिए भगवान हिंदुओं का है, अल्लाह मुसलमानों का, ऐसा कहते हैं, मगर रास्ता एक ही है, एक ही जगह पहुंचना है। इसलिए राहुल गांधी जी को बहुत जल्दी समझ में आ गया कि कार्मिक कनेक्शन बहुत जरूरी है। आपके जीवन में धन हो सकता है, बैंक में धन पड़ा हो सकता है, मगर कहीं ना कहीं कार्मिक अकाउंट में अगर बैलेंस नहीं है तो आपको आशीर्वाद ही नहीं लगेगा। इसलिए उन्होंने वाई टू गो देयर, उन्होंने तो गुजरात में भी सोमनाथ मंदिर में पूजा करी, उन्होंने कर्नाटका में जाकर लिंगायत के साथ बैठकर बिल्कुल धोती पहनकर पूजा की। ये कोई नया थोड़ी है आडंबर, ये आडंबर नहीं है, ये सत्य है कि राहुल गांधी जो है धर्म की तरफ चलते हुए दिखाई देते हैं, और धर्म के ऊपर चलकर व्यक्ति समझदार हो जाता है, धर्म आदमी को अनुशासित कर देता है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की विरोधी नेता है, विरोधी पार्टी है, इसलिए वो कुछ भी कह सकते हैं, बट राहुल गांधी की पीठ थपथपानी पड़ेगी। उन्होंने महाकाल में जाकर यो पूजा प्रार्थना की, उसका इफेक्ट देखिए। आज शिवराज चौहान जो है, उनके साले संजय सिंह बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आ चुके हैं। ये एक कांग्रेस शिव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा धक्का है। और एक जो कंप्यूटर बाबा थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का एमएलसी त्याग कर ये बोल दिया कि शिवराज सिंह चौहान मेरा मर्डर करवा सकते हैं। तो ये बातें कहीं ना कहीं राहुल गांधी को भी भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। इसलिए किसी का कोई कॉपीराइट नहीं है। राहुल गांधी अगर धर्म की तरफ जा रहे हैं तो मैं उनका अभिनंदन करता हूं। ऑल द बेस्ट।